हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ऐसे 319 व्लॉग्स। सो गाइस, आज मैं अपने चैनल पर हेना पाउडर की फुल वीडियो शेयर करने वाली हूँ। कुछ टाइम पहले मैंने हेना पाउडर की शॉर्ट वीडियो भी डाली थी, तो उस पर काफ़ी अच्छा रिस्पांस मुझे मिला था। तो आज मैं आपके साथ में सिल्वर गोल्ड हेना पाउडर का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। मार्केट में काफ़ी ज़्यादा अलग अलग कंपनी के बहुत सारे हेना पाउडर अवेलेबल हैं, आप जो चाहें उस हेना पाउडर को इस्तेमाल कर सकते हैं। बट मैं आज आपको सिल्वर गोल्ड हेना पाउडर का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ, तो मैं इसी के डायरेक्शन से आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो मेहंदी पाउडर होता है वो हमारे बालों को कलर नहीं करता है, वो हमारे बालों को हल्का सा टिंट देने का काम करता है। अगर आप कोई भी हेना पाउडर का इस्तेमाल करते हैं या फिर किसी भी तरह की मेहंदी का इस्तेमाल करते हैं और वो मेहंदी आपके हेयर को कलर दे रही है, तो इसका मतलब वो केमिकल बेस्ड हेना पाउडर है। काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उस हेना पाउडर के अंदर केमिकल है और वही केमिकल आपके हेयर को रंग रहा है। नेचुरल हेना पाउडर कभी भी आपके हेयर को कलर नहीं देगा, वो बस सिर्फ एक हल्का फुल्का सा टिंट आपके हेयर को देगा। तो चलिए अब मैं आपको बता देती हूँ कि इस मेहंदी पाउडर का इस्तेमाल आपको कैसे करना है। तो सबसे पहले मैं आपको इसके डायरेक्शंस बता देती हूँ जो इसके पैकेट के ऊपर ही लिखे हुए हैं। तो इस पे लिखा हुआ है कि सिल्वर गोल्ड हेना लगाने से ये आपके बालों को गिरने से बचाता है। गाइस, केवल सिल्वर गोल्ड ही नहीं, कोई भी नेचुरल बेस्ड हेना पाउडर लगाने से, कोई भी मेहंदी को यूज़ करने से वो हमारे हेयर फॉल को रोकता ही है और हमारे हेयर को मजबूत करता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है। इसीलिए हमें हमारे बालों में मेहंदी पाउडर का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, चाहे आप मेल हों, फीमेल हों या फिर बच्चे हों, लेकिन महीने में कम 2 बार हमें मेहंदी पाउडर का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। अगर आप महीने में नहीं लगा सकते हैं तो 2 महीने में लगाइए, 3 महीने में लगाइए, लेकिन मेहंदी पाउडर को ज़रूर लगाइए। अगर आप अपने हेयर को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं तो आप हेना पाउडर का इस्तेमाल ज़रूर करें। एक तो ये हमारे सर में रूसी नहीं होने देता है, डैंड्रफ नहीं होने देता है और हमारे सर में जो ग्रे हेयर हो जाते हैं उन्हें भी रोकता है, हमारे बालों को काला, लंबा और घना मजबूत बनाता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो मैं हेना पाउडर दिखा रही हूँ आप वही लगाएं, आप किसी भी कंपनी का कोई भी हेना पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं जो भी आपके हेयर के लिए सूटेबल हो। और किसी भी कंपनी की कोई भी मेहंदी आप ले लें, वो बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं होती है और ये आपको काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में भी मिल जाती है, हर एक इंसान इसे अफोर्ड कर सकता है। गाइस, अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपको किस तरह की मेहंदी जो है मार्केट से परचेज करनी है। गाइस, आप उस तरह की मेहंदी मार्केट से परचेस करें जिसके अंदर पहले से ही आंवला, सीकाकाई और भृंगराज मौजूद हो। अगर ये तीनों चीज़ें मेहंदी के अंदर पहले से ही मौजूद होंगी तो आपको अलग से इन्हें खरीदने की ज़रूरत नहीं होगी। मैंने इसी तरह की मेहंदी मार्केट से परचेस की है जिसके अंदर पहले से ही आंवला, सीकाकाई और भृंगराज मौजूद हैं, तो आप भी इसी तरह के मेहंदी पाउडर को परचेस करें। चलिए अब हम इसका घोल बना लेते हैं। घोल बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक बाउल में डाला है कॉफ़ी पाउडर। आप चाहें तो कॉफ़ी पाउडर को सूखा भी डाल सकते हैं या फिर कॉफ़ी पाउडर को पानी के अंदर उबाल कर भी डाल सकते हैं। मैंने इसके अंदर सूखा कॉफ़ी पाउडर डाला है और इस कॉफ़ी पाउडर को मैं मेहंदी के अंदर अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आप चाहें तो कॉफ़ी पाउडर को स्किप करके चाय पत्ती का पानी भी डाल सकते हैं। चाय पत्ती और कॉफ़ी पाउडर दोनों ही ऑप्शनल हैं, अगर आप चाहें तो इसे डालें, अगर नहीं चाहते हैं तो ना डालें। ये सिर्फ हल्का सा गहरा हमें टिंट मिले इसीलिए मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। और कॉफ़ी पाउडर हमारे हेयर को हल्का सा स्ट्रेट बनाने में भी हेल्प करता है। मेहंदी और कॉफ़ी पाउडर को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आप चाहें तो इसमें 1 चम्मच सरसों का तेल भी डाल सकते हैं और यहाँ पर एग्स का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। अगर आपकी हेयर लेंथ शॉर्ट है तो आप एक ही एग का इस्तेमाल करें और अगर आपकी हेयर लेंथ लॉन्ग है तो आप 2 एग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेहंदी और कॉफ़ी पाउडर को अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ गुनगुना पानी। पानी को हमें एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके हमें इसमें पानी का इस्तेमाल करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपके हेयर के ऊपर हल्का सा बरगंडी कलर आए या फिर आपके हेयर के ऊपर हल्की सी बरगंडी कलर की टोन हो, तो आप मार्केट से बीटरूट पाउडर खरीद के मेहंदी के अंदर मिक्स कर सकते हैं। अगर आपके पास बीटरूट पाउडर नहीं है तो आप बीटरूट को लेकर उसका जूस निकाल कर भी पानी की जगह उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, तब भी आपको बरगंडी कलर मिल जाएगा। मार्केट में अलग अलग कंपनी के बहुत सारे बीटरूट पाउडर अवेलेबल हैं, आप किसी भी कंपनी का बीटरूट पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपको नेचुरल बीटरूट मिल जाए तो आप उसका जूस निकाल कर इस्तेमाल करें। इससे आपके हेयर पर एक बहुत ही प्यारी रेडिश बरगंडी टोन आएगी।
जितनी भी चीज़ें अभी तक मैंने आपको बताई हैं उन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिलाने के बाद हमें इसे ओवरनाइट सोक करना है। कम से कम 7 से 8 घंटे तक हमें इस मेहंदी पाउडर को भिगा के रखना है। हमें इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डालना है और इसे चलाते जाना है। इससे क्या होगा कि मेहंदी का एक स्मूथ फाइन पेस्ट बन के तैयार हो जाएगा और इसमें लम्स भी नहीं पड़ेंगे, हमें इसे लगाने में भी आसानी होगी। 7 से 8 घंटे तक मेहंदी को भिगोने के बाद हमें कम से कम 2 से 3 घंटे तक इसे अपने सर में लगा कर रखना है। अगर आपके पास टाइम है तो आप 4 से 5 घंटे भी रख सकते हैं। उसके बाद में हमें इसे नॉर्मल पानी से धो देना है और मेहंदी को धोने के बाद हमें अपने बालों को एयर ड्राई कर लेना है। बालों को सुखाने के बाद हम अपने हेयर में इस्तेमाल करेंगे हेयर ऑयल। जो भी हेयर ऑयल का इस्तेमाल आप करते हो उसी हेयर ऑयल को आप अपने सर में डालें और कम से कम 10 मिनट तक मसाज करने के बाद 1 घंटे तक उस हेयर ऑयल को अपने हेयर के अंदर रहने दें। इससे क्या होगा, जो हमारा टिंट है ना वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और कम निकलेगा। अब मैं आपको इसकी प्राइसिंग और क्वांटिटी के बारे में बता देती हूँ। तो गाइस ये 120 ग्राम का पैकेट है और मुझे 50 रुपये में पड़ा है और इसकी सेल्फ लाइफ है 36 मंथ। ओवरनाइट सोक करने के बाद ये मेहंदी आपको कुछ इस तरह की दिखेगी। आप देख सकते हैं कि मेहंदी के अंदर बिल्कुल भी लम्स नहीं है और इसका एकदम स्मूथ और फाइन पेस्ट बन के तैयार हुआ है। अब हम इसे अपने हेयर के ऊपर अप्लाई कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि मेहंदी लगाने से पहले मेरे हेयर किस तरह के हैं, थोड़ा ब्लैक डार्क शेड दे रहे हैं। ये मैं आपको धूप में दिखा देती हूँ। ये मेरे हेयर धूप में आपको मेहंदी लगाने से पहले दिख रहे हैं और मेहंदी लगाने के बाद के शेड भी मैं आपको दिखाऊंगी। गाइस ये धूप में है मेहंदी लगाने से पहले और ये छांव के अंदर मेरे हेयर मेहंदी लगाने से पहले कुछ इस तरह के दिख रहे हैं। अब आप देख सकते हैं कि मेहंदी लगाने के बाद मेरे हेयर कितने स्मूथ, सिल्की और स्ट्रॉन्ग हो गए हैं और देखने में भी कितने ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। गाइस अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।